सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में और सैमसंग ये कहता है कि इस बार जो बैटरी है सैमसंग गैलेक्सी S8 में वो बहुत स्लोली डिग्रेड होगी अगर आप उसको कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S7 के साथ में। सैमसंग जो है वो बेचारा बैटरी का मारा है, नोट 7 ने कंपनी की दोस्तों इज्जत है वो पूरी डुबा दी थी। ऐसे में दोबारा भरोसा कर पाना बहुत से यूजर्स के लिए शायद मुश्किल होगा, इसलिए सैमसंग ये कोशिश कर रहा है कि वो क्लियर कर दे, बताए अच्छे तरीके से कि भाई इस बार जो फ़ोन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और आपका जो फ़ोन है वो फटेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है ऊबर की तरफ से और ऊबर ने इंडिया में एक इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो सामने दोस्तों कंपाइल करके बताया है, जहाँ पे हमें ये मालूम चला है कि जो कैब में अलग अलग सामान लोग भूल जाते हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा सामान जो है वो कब भूलते हैं, और यहां पे दोस्तों कुछ ऐसे वियर्ड आइटम्स जो कि उन्होंने कैब में भूले हैं। और यहां पे जो सिटीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोग सामान भूलते हैं तो उसमें बेंगलुरु नंबर 1 पे है, फिर आता है दिल्ली, फिर मुंबई, फिर हैदराबाद, फिर कोलकाता। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो दिन है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन डे है वो है सैटरडे, शायद छुट्टी का नशा होता है, अगले दिन संडे होता है तो इसलिए लोग जल्दबाजी में सामान भूल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिसंबर का महीना वो महीना था जहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना सामान भूला है, किसी ने पत्ता गोभी भूल गई अपने कैब के अंदर, कोई यहाँ पे ग्रोसरी बैग, किसी ने दोस्तों यहाँ पे लिकर बॉटल्स जो हैं वो कैब के अंदर छोड़ दिया, किसी ने अपना कोई कुत्ता छोड़ दिया कैब के अंदर। तो ये दोस्तों तरह तरह के वियर्ड आइटम्स थे। इसके अलावा बाकी तो फ़ोन, रिंग, कीज़, वॉलेट, लाइसेंस वगैरह, मतलब 50 तरह के आइटम्स थे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई कैब यूज़ करते हैं तो ध्यान से रहिए, संभल के रहिए, अपना जो सामान है उसको बचा के रखिए, ऐसे ही कहीं छोड़ के मत निकल जाइए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो प्लान कर रहा है एक इंडियन स्पेसिफिक चैटबॉट के बारे में जो कि होगा काफ़ी अच्छे से AI पावर्ड और जिसका नाम है वो है रूह। अब रूह मतलब वो किसी की रूह जो है वो किसी के अंदर आ गई है और यहाँ पे ये जो चैट बॉट है इससे आप चैट कर पाएंगे। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली कब आता है और कितने अच्छे से AI को काम में लेने के बाद में आपको फील देता है जैसे आप वाकई में किसी से चैट कर रहे हैं, हालांकि जो सारी चीज़ है वो तो है एक आर्टिफिशियल AI पावर्ड सिस्टम की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में और सैमसंग ने ये कहा है कि अभी जो स्टॉक होने वाला है, जो इनिशियल स्टॉक होने वाला है फ़ोन का, वो डबल होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S7 से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये सैमसंग ने भी तैयारी पूरी रखी है और देखते हैं कि फोन जो है वो कितना तेजी से बिक पाता है। फिलहाल जो डेट्स हैं मार्केट में अवेलेबिलिटी की सबसे पहले वो है 21 अप्रैल, अब देखता हूं कि दुबई में कब मुझे मिलेगा। जैसे मिलेगा आपके लिए सबसे पहले उसकी वीडियो बनाऊंगा, करूंगा उसकी अनबॉक्सिंग और बाद में कुछ छोटा सा सरप्राइज भी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल के लिए और एप्पल के लिए दोस्तों स्टेटमेंट आ रहा है कर्नाटक IT मिनिस्टर का। वो ये कहते हैं कि एप्पल जो है वो एक महीने से भी कम के समय में इंडिया में जो है अपने फोन्स की जब स्टार्ट कर देगा। अब देखते हैं कि वो फोन्स कौन से होंगे, क्या एप्पल के दिमाग में चल रहा है कि वो इंडिया में आके क्या बनाने वाला है, लेकिन अब क्योंकि IT मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आ ही गया है तो लगता तो यही है कि इंडिया में जो है वो एप्पल के फोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। प्राइस कम या ज़्यादा क्या होती है उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आता है इंटेल की तरफ से और इंटेल ये क्लेम करता है कि जो इंटेल दोस्तों लेके आने वाला है आने वाले दिनों में 10 नैनोमीटर बेस्ड चिप्स को, वो सैमसंग की जो करंट चिप्स हैं उनसे एक जनरेशन एडवांस्ड होंगी। यहाँ पर दोस्तों 3rd Gen FinFET टेक्नोलॉजी को इंटेल काम में लेने वाला है और इंटेल ये बोलता है कि वो हो चाहे सेम 10 नैनोमीटर लेकिन यहाँ पे हम जो है वो लेट जरूर आ रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। अब हालांकि ये जो है ये होने वाला डेस्कटॉप क्लास चीजों में, अब हालांकि ये जो है मोबाइल फोन से तो इंटेल आएगा नहीं, लेकिन देखते हैं कि एग्जैक्टली इंटेल क्या करता है जब वो बनाना स्टार्ट कर देता है 10 नैनोमीटर की चिप्स को। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है अगर आप रहते हैं हैदराबाद में, बिकॉज यहां पे दोस्तों ACT फाइबरनेट या बोलूं तो एक्ट फाइबरनेट ने अपना एक नया प्लान सामने निकाला है जहां पे आपको मिलती है 1 Gbps तक की स्पीड। ये दोस्तों एक वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो प्राइस है मंथली वो है 599। यहां पे दोस्तों आपको मिलती है 1 TB की
FUP और उसके अलावा ये दोस्तों 10 और सिटीज में भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो कमाल की चीज है। और ऐसे में जियो फाइबर भी आने वाला है, वो भी शायद होगा 1 GBPS तक। तो देखते हैं कि ऐसे में हम कितने अच्छे से इतने फास्ट स्पीड्स में डेटा को कंज्यूम कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है आईफोन 8 के लिए एक लीक। पिछले बहुत दिनों से सन्नाटा था, शांत था, लेकिन यहाँ पे एक लीक सामने निकल के आया है। दिखता है कि जो फोटो है वो है कंप्लीट फोटोशॉप। आपको अभी देखने को मिलता है आईफोन में पीछे वर्टिकल अरेंजमेंट है ड्यूअल कैमरास का, और आपको पीछे एप्पल लोगों के नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं डाउट करता हूं कि एप्पल ऐसा कुछ प्लान करेगा। वो शायद ऑन स्क्रीन आपको दे सकता है, शायद कुछ और अप्रोच लगा सकता है, लेकिन ऐसा हो तो मैं तो इस बारे में भरोसा नहीं करता। बाकी देखते हैं कि एप्पल क्या लेके आता है जब वो लॉन्च करता है आईफोन 8 को। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है की तरफ से, और यहां पर दोस्तों एरिक्सन और IIT दिल्ली ने एक MOU साइन किया है, जिसके बाद में दोस्तों यहां पे वो प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया में 5G सर्विसेज को लेके। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे दोस्तों सेकंड हाफ जो है उसी से ही कुछ टेस्ट शुरू हो जाएंगे 2017 में ही, तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है। और ऐसे में दोस्तों इंडिया में हम देखते हैं कि 2018 से जो है वो और कमर्शियल टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 2020 तक हम इंडिया में यूज कर पाएंगे 5G सर्विसेज को। फिलहाल के लिए तो है हम यूज करते हैं अभी 4G, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको मिले बहुत ही कमाल की स्पीड अपने मोबाइल फोन पे 3 महीने के अनलिमिटेड फ्री प्लान के साथ में। तो ऐसे में आपको ये सुन के कैसा लगेगा। तो सर अगला अपडेट यहां पे है वो है फेसबुक के 360 डिग्री लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग को लेके, और ये अब दोस्तों फाइनली अवेलेबल है सभी यूजर्स के लिए। अगर आपके पास में एक कैमरा है जो कि कंपैटिबल है, यहां पे सैमसंग का गियर 360 है, उसके अलावा इंस्टा 360 है, उसके अलावा Zcam S1 है, उसके अलावा LE कैमरा है, उसके अलावा नोकिया ऑजो वगैरह है, तो अगर आपके पास में इनमें से कोई एक कैमरा है तो आप डायरेक्टली फेसबुक पे 360 डिग्री में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही जल्दी ऐसी लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं 360 डिग्री में, मेरे पास में कैमरास आ चुके हैं। उम्मीद यही करते हैं कि उस वीडियो में हमें काफी मजा आने वाला है। दोस्तों अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है स्पेस एक्स की तरफ से, और स्पेस एक्स जो है वो अपने एक यूज्ड रॉकेट को दोबारा से लॉन्च करने का प्लान बना रहा है थर्सडे को। यही दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट था फाल्कन 9 रॉकेट का, जहां पे उसको रीयूज बार बार कर सकते हैं, तो ये पहली बार होने वाला है। और ऐसे में काफी कमाल लगता है कि आप जो है वो लॉन्च कॉस्ट को कितना कम कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो रॉकेट है उसका आप रीयूज कर रहे हैं अलग अलग लॉन्चेस के लिए, तो ऐसे में काफी अच्छी चीज है। उम्मीद ये करते हैं कि जो लॉन्च है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो सर अगला अपडेट है वो है काफी अलार्मिंग न्यूज, और यहां पे दोस्तों इंडिया की तरफ से एक न्यूज सामने निकल के आई है जो ये बताती है कि अभी करंटली 8.7 लाख जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर फॉर्म्स हैं वो दोस्तों नॉन कंप्लायंट हैं जो कि नॉर्म्स हैं उनके साथ में। तो ये मतलब अलार्मिंग चीज है। मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे कि आधार कार्ड से लिंक होगा, नया आपको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, तो वो अच्छी बात है, वरना ऐसे में आधे अधूरे भरे हुए फॉर्म्स हैं, डेटा जो है वो कंप्लीट है नहीं, और बाद में इंफॉर्मेशन जब चाहिए होती तो मिल नहीं पाती है। उम्मीद ये करते हैं कि हमको इसके मामले में थोड़ी सी और सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है रिलायंस जियो के लिए। रोजाना अलग अलग न्यूज निकल के आ रही है कि भाई जियो जो है वो खतरे में है, जियो जो है वो सॉलिड है या जो भी है। अब दोस्तों रिसेंट अपडेट जो है वो ये निकल के आता है कि जियो प्राइम के लिए 50 मिलियन यूजर्स ने साइन अप कर लिया है। लाइनें लगी हुई हैं बहुत सारी जगहों पे, सब लोग बहुत ही तेजी से आ रहे हैं, उनको मालूम है कि महीना जो है वो खत्म होने वाला है। और एक और अपडेट ये भी कहता है कि 31 मार्च के बाद में एक और अनाउंसमेंट आने वाला है, जहां पे शायद आपको कुछ और प्लान्स मिलेंगे। देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है 31 मार्च के बाद में, लेकिन लाइन लगाने की जरूरत क्यों है भाई, माई जियो ऐप से जाके रिचार्ज करो ना। मतलब अभी कौन सा आपको सिम बाय हैंड कलेक्ट करना है जो आपको लाइन लगानी है। फिर भी लोग हो रहे हैं परेशान। उम्मीद ये करते हैं कि हमें सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव्ड मिलेंगी, और न सिर्फ जियो की, सभी तरफ से हमको फायदा मिले, हम तो उसी में खुश हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है निकल के आ रहा है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में, और टी मोबाइल ने दोस्तों यहाँ पे गीगाबिट LTE को डेमो करके दिखा दिया है इस फोन में। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है X16 मॉडेम, यानी कि ये सपोर्ट करता है 1 GBPS तक की स्पीड्स को। और यहाँ पे दोस्तों टी मोबाइल ने ऐसा ही आपको एक डेमो देके दिखा दिया है, तो फोन तो काफी कमाल का है। अब इंडिया में जियो में क्या स्पीड मिलेंगी, एयरटेल में क्या मिलेंगी वो नहीं मालूम। देखते हैं कि जब ऐसे सामने आता है, जब मैं इसको खुद से यूज करूंगा, तो फोन हमें किस तरीके से देखने को मिल जाता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।